तो नमस्कार, इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में जो कि तीनों स्टॉक कल के दिन बहुत ही शानदार धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपके पास ये स्टॉक है नहीं तो क्या इस रीज़न के चलते कल के दिन इन स्टॉक में क्या फेज बाय किया जा सकता है। तो सारे पॉइंट को हम ए टू जेड डिटेल में लॉजिक के साथ कंसिडर करेंगे। उसमें से पहला स्टॉक की अगर हम बात करें अथॉस लिमिटेड। अथॉस लिमिटेड की बात करें, ऑलरेडी अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन इन स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे तेजी देखने को मिला था, लगभग 1.5% की तेजी। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो हाल ही में ये कंपनी हमें लिस्टेड होते हुए देखने को मिला लगभग 2022 जून में। तो हार्डली आप बोल सकते हो सिर्फ एक ही साल हुए। एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा हमें ऑलमोस्ट डबल करते हुए देखने को मिला। हाल ही में आपने देखा होगा ये स्टॉक लगभग 1000 के नीचे आए थे, 900 के आसपास। तब मैंने इन स्टॉक को कवर किया था कि आप चाहो तो इन स्टॉक को अथॉस लिमिटेड को ज़रूर स्टडी कर सकते हो, और चाहो तो इस करंट लेवल पे यानी कि इस लेवल पे 5 शेयर ये फिर 10 स्टॉक ज़रूर आप बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि अथॉस लिमिटेड बिजनेस वाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी और लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट दे सकते हैं। और तब से लेकर अभी तक की बात करें तो एक शानदार ही इसने रिटर्न बना के दिया। अथॉस लिमिटेड की बात करें कल के दिन इस कंपनी के हमें Q1 के नंबर देखने को मिला, और अगर हम नंबर की बात करें बहुत टाइम बाद अथॉस लिमिटेड ने एक शानदार एक डिसेंट नंबर प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि सबसे पहले अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देख पाएंगे पिछले साल जून में कंपनी के जो इनकम थे 174 करोड़, और इस साल की बात करें तो 230 करोड़ के आसपास। हम पिछले 3 मंथ पहले कंपनी के इनकम की बात करें तो 208 करोड़, जो कि इस बार इंक्रीज होकर 230 करोड़। जो अगर हम ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, कंपनी की जो इनकम है वो बहुत ही हमें शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक्सपेंस कट करने के बाद जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, अगर आप उसे भी कंसिडर करोगे 27 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि इंक्रीज हो गए 34 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 25 करोड़ जो कि इंक्रीज हो गए 34 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के शानदार ही देखने को मिल रहे हैं ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस। इसके बाद बहुत सारा डेफर टैक्स करंट टैक्स सारे चीज़ों को कट करने के बाद जो हमारे हाथ में निकल के आते हैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जिसे कल के दिन बाजार भी कंसिडर करेगा। और वो नेट प्रॉफिट है दोस्तों जो कि आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट पिछले साल जून में कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट था 13 करोड़, जो कि इंक्रीज होके 18 करोड़, और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट 13 करोड़ थे जो कि इंक्रीज होके 18 करोड़, और सेम हिसाब से आप चाहो तो EPS को भी देख सकते हो। कैसा है अथॉस के नंबर। बहुत टाइम बाद अथॉस लिमिटेड ने ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस बहुत ही शानदार नंबर प्रेजेंट किया। नंबर देख के मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ जिस प्रकार के अथॉस ने नंबर दिखाया, जो तेजी स्टॉक में आपको बनते हुए देखने को मिला, या फिर जो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आपको बनते हुए देखने को मिला, ये मोमेंटम आपको और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। शायद से अगर बाजार में ऐसे पॉजिटिविटी रहा तो ये स्टॉक आपको 2000 तक भी बहुत ही जल्दी आपको टच करते हुए देखने को मिल सकता है। अथॉस लिमिटेड की बात करें, आपको पता है रिटेल सेगमेंट में इस कंपनी के योगदान देखने को मिल जाते हैं, मतलब खासकर लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ रिस्की या फिर पॉजिटिव पॉइंट की भी बात करें तो 3,500 करोड़ के मार्केट कैप है, यानी कि एक छोटी सी बहुत ही स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। ये तो रिस्की पॉइंट है, और इसी में आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा जो कि इसमें ग्रोथ भी बहुत भर भर के मिलेगा। यही 33,000 की कंपनी आपको आने वाले टाइम में 30,000 करोड़ की भी कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब इतने पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। अगर हम कुछ और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें जो कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतने छोटे और इतने रिस्की कंपनी होने के बाद भी, इतने न्यू कंपनी होने के बाद भी प्रमोटर की बात करें तो लगभग 64%, FIS के पास दोस्तों 6.5%, DS की बात करें तो 10.5%, पब्लिक की बात करें तो 19% के आसपास। तो इतनी छोटी रिस्की कंपनी होने के बाद भी FIS और DS के पास लगभग अब वो सो तो 16-17% के आसपास हमें होल्डिंग देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है कि इतने रिस्की कंपनी होने के बाद भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन स्टॉक में लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें देखने को मिले। अथॉस लिमिटेड की बात करें कल के दिन, मैं अपने हिसाब से बात करूँ जिस प्रकार के इसने नंबर दिखाया तो हो सकता है इस नंबर को कल के दिन बाजार अप्रिशिएट करता है, और एक आपको और भी एक ऑल टाइम हाई शायद से कल के दिन देखने को मिल सकता है। अगर बाय चांस देखने को ना मिले या बाजार में अगर नेगेटिविटी भी हो, अगर उसके चलते अगर स्टॉक में तेजी ना भी आए, तो इतना जरूर कहना चाहूँगा किसी ने अगर फ्राइडे के दिन स्टॉक को खरीदा हुआ
तो नंबर बहुत शानदार है, आप ज़रूर लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। आज नहीं तो कल ये 2000-3000 तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा और एक कमाल की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो इस कंपनी की भी बात करें, सो फ्राइडे के दिन ऑलरेडी हमें 202% के तेजी देखने को मिला था, और इस कंपनी की भी दोस्तों कल के दिन हमें इस कंपनी के भी Q1 के नंबर देखने को मिले। और इसके नंबर की बात करें सो इसने तो पूरे आप बोल सकते हो किलर नंबर दिखा दोस्तों, किलर। अगर आप कंपनी के सिर्फ सेल्स को देखोगे तो कोई कंपेयर ही नहीं होगा, मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है। मतलब सिर्फ 37 करोड़ के सेल्स 132 करोड़, 96 करोड़ के सेल्स 132 करोड़, जिनके चलते कंपनी की जो फाइनल प्रॉफिट है वो तो आप ईयरली बेसिस देखोगे तो मतलब 600% की जंप लगभग। Q1 बेसिस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 100% या फिर वो 110% की जंप। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस जेन टेक ने दोस्तों इस बार Q1 में बहुत ही किलर नंबर प्रेजेंट किया। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है, क्या कल के दिन स्टॉक में तेजी आएगा? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्टॉक में इतने शानदार नंबर दिखा है, तेजी तो आना चाहिए। दोस्तों मैं इसलिए स्टॉक को बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक साल की बात करें 230% के रिटर्न, 5-5 साल की बात करें दोस्तों 600-600% के लिए। ये पूरे 5 साल की रिटर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद महीनों की, ये हार्डली बोल सकते 2-3 महीने की रिटर्न है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते, मतलब कुछ ही टाइम की ये आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सो इतने तेजी होने के बाद मतलब 5 साल में 600-600% और स्टॉक एकदम टॉप पे बॉटम पे और उस प्रकार के भी और उस टॉप पे भी कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर दिखाए, तो क्या ये तेजी और भी कंटिन्यू होने वाला है? अगर कंटिन्यू होगा तो माइट भी क्या पता आपको ये 800 से लेके क्या पता आपको 4D में भी जाते हुए शायद से आपको देखने को मिल सकता है। एक दो दिन में नहीं जाएगा, इसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन जिस प्रकार के जेनटेक ने नंबर दिखाए, मतलब ऑब्वियसली शानदार नंबर दिखाए, तो कल के दिन तो तेज़ी आना तय है। मतलब अगर तेज़ी ना भी आए तो तब भी आप कंटिन्यू करके चलना कि क्योंकि आज नहीं तो कल इस नंबर के प्रति इन स्टॉक में आपको शानदार रैली ज़रूर देखने को मिल जाएगा। सो जिनके पास भी इस नंबर को देख के अगर आपको ये 600% की भी प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप चाहो तो और भी लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करके चल सकते हो, क्योंकि वाकई कंपनी ने बहुत ही ताबड़तोड़ बहुत ही किलर नंबर प्रेजेंट किया। तो आप कल के दिन इन स्टॉक को ज़रूर फोकस बना के रख सकते हो। कि कोई फ्रेज बाइंग करना ही चाहता है तो नंबर वो बहुत शानदार है, लेकिन स्टॉक एकदम टॉप पे है तो एकदम छोटी सी क्वांटिटी एकदम बहुत ही, अगर आपको 10 स्टॉक बाय करने हैं तो सिर्फ 2 या 3 स्टॉक ही बाय करके चल सकते हो, और बाकी और Q2 के नंबर देखने के बाद। क्योंकि अगर इसमें कभी भी नंबर ख़राब आता है तो इतना ज़ोरदार गिरेगा जो कि ये 600 के स्टॉक 300 आने में भी टाइम लगेगा, ये भी पॉइंट आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो आप जाना चाहते हो उस नंबर को देख के ज़रूर जा सकते हो, कल के दिन ही जा सकते हो, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बहुत ही एकदम मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए। देन आखिरी स्टॉक है हमारा सो FL इंडिया लिमिटेड। सो FL इंडिया की बात करें सो इन स्टॉक भी फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला था, लगभग 101% की तेजी। सो FL इंडिया की भी बात करें सो इस कंपनी की भी मतलब ये स्टॉक भी कल के दिन आपके सभी के फोकस के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी ने भी कल के दिन अपना Q1 के नंबर प्रेजेंट किया। और इस कंपनी की भी नंबर की बात करें तो बहुत टाइम बाद एक डिसेंट नंबर हमें प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले इनकम, सो इनकम की बात करें 374 करोड़ की इनकम इंक्रीज होकर 407 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 356 करोड़ की इनकम जो कि इंक्रीज होकर 407 करोड़, और इसी के चलते अगर आप चाहो तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख सकते हो, 68 करोड़ का 78 करोड़, 69 करोड़ का 78 करोड़। उसके बाद कंपनी के फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें जिसे कल के दिन बाजार भी कंसिडर करेगा, और वो नेट प्रॉफिट है दोस्तों एक टाइम पे 55 करोड़ थे जो कि इंक्रीज होकर 66 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ के 66 करोड़। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे FL इंडिया ने भी इस नंबर इस क्वार्टर में एक बहुत ही शानदार डिसेंट नंबर प्रेजेंट किया। और मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर से अगर आप कंपनी की इनकम को देखोगे, ये 4-5 क्वार्टर से जो इनकम है आपको 300-350 के रेंज में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने एटलीस्ट 400 करोड़ के सेल्स को उसने अचीव किया। तो हो सकता है इसके चलते यानी कि सेल्स को देख के भी इस स्टॉक में कल के दिन एक अच्छे खासा आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बाजार के एस्टीमेट की भी बात करें, आपको पता है कुछ बाजार के भी एस्टीमेट होता है, बाजार मतलब क्या, कुछ अल्टीमेटली कुछ बड़े इन्वेस्टर का भी एस्टीमेट होता है। अगर उसके हिसाब से भी देखोगे तो जो EPS उन्होंने बाजार ने एस्टीमेट किया था उसको भी उसने बीट कर दिया। अगर हम बात करें सेल्स की जो कि 370 करोड़ के आसपास सेल्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जो कि एक्चुअल में आया 607 करोड़ के आसपास, तो सेल्स को भी उन्होंने अच्छी तरह से बीट किया। तो इसके चलते हो सकता है ऑलरेडी अगर आप देखोगे स्टॉक अभी भी टॉप लेवल से 25% के आसपास के गिरावट में ट्रेड कर रहे हैं और बाजार एकदम टॉप है, तो हो सकता है
तो स्टॉक में इस नंबर को देखिए, एक अच्छे खासा तेजी भी कल के दिन आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर गलती से भी गिरावट होता है तो देखते हैं कल के दिन बाजार में कैसे माहौल रहता है। अगर बाजार में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहा तो इन तीनों स्टॉक में कल के दिन आपको एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। सो इन तीनों स्टॉक में से कोई अगर बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है तो तीनों बेस्ट है, लेकिन नंबर वन की बात करें तो एफिल इंडिया एक ऐसे स्टॉक है जो कि फ्यूचर में ये लाख करोड़ का भी मार्केट कैप बनने के दमखम रखता है। तो मैं चाहूँगा, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, एफिल इंडिया अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हो। और बाकी जो दोनों स्टॉक है अथॉस और जेंटेक, इनको पर भी आप चाहो तो फोकस बना के रख सकते हो। इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आपके पास है, कल के दिन तेजी हो या ना हो, बार बार रिपीट करो, आप लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करोगे तो इस नंबर के प्रति आने वाले टाइम में अगर कल के दिन तेजी ना भी आता है तो लॉन्ग टाइम में आपको तेजी ज़रूर देखने को मिल जाएगा। सो बेटे, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन।